गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू यू ऑल इन अवर एस एस टी क्लास ऑफ सेवन स्टैंडर्ड टूडे वी विल रीड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री चैप्टर नंबर वन वेयर वैन एंड हाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एक्सटेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड इस चैप्टर में हम मध्यकालीन युग के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया इंडिया के अलग अलग नामों के बारे में पढ़ेंगे मेजर डेवलपमेंट्स इस टाइम में क्या क्या विकास हुए एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और हिस्ट्री के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक एक्सटेंट मेडी एक्सटेंट का मीनिंग होता है विस्तार द मिडिबल पीरियड इन इंडिया बिगेन फ्राम द एट्थ सेंचुरी एंड कॉन्टिन्यू टिल द एटींथ सेंचुरी मिडीबल पीरियड का मीन्स है मध्यकालीन युग कि इंडिया में जो मध्यकालीन युग है वो आठवीं शताब्दी में शुरू हुआ और वो अठारहवीं शताब्दी तक चला ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री न्यूमिरस चेंजेज टुक प्लेस इन द इंडियन सब कॉन्टीनेंट इतने बड़े टाइम पीरियड के बीच में इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए सिंस द मिडेबल पीरियड स्प्रेड अक्रॉस मैनी सेंचुरीज़ क्योंकि मध्यकालीन युग कई सदियों तक चला इट वॉज डिवाइडेड इन टू टू फेसिस इसको टू पार्ट्स में बांट दिया गया द अर्ली मिडेबल पीरियड एंड द लेट मिडेबल पीरियड द अर्ली मिडेबल पीरियड लास्ट टिल द थर्टीन सेंचुरी जो अर्ली मिडेबल पीरियड है वो तेरहवीं शताब्दी तक चला एंड कवर्स द हिस्ट्रीज ऑफ पालाज प्रतहाराज चोलाज एंड राजपूतास और, और इससे हमें पाला प्रतिहारा चोलाज और राजपूत की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है द लेट मेडियवल फीस फेस बिगेन टू द थर्टीन सेंचुरी एंड लास्ट इज टिल द एटीन सेंचुरी जो लेट मेडिएल पीरियड है वो थर्टीन सेंचुरी में शुरू हुआ और वो एटीन सेंचुरी तक चला द लेट मेडियबल फेज कवर द हिस्ट्री फ्राम द दिल्ली सल्तनत एंड कॉन्टीन्यूज टिल द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स जो लेट मीडियवल पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत के इंडिया में आने से शुरू हुआ और जब मुगल्स का इंडिया में मुगल साम्राज्य का इंडिया में एंड हो गया ये तब तक चला बेटा चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया ऑन एटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लेट डाउन आर्टिकल वन आई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स दिस इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वेट्स इंडिया टू मीन भारत एटीन सितंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया को भारत का नाम दिया गया जिसका मीनिंग है कि इसमें बहुत सारी स्टेट्स आती हैं इट बिलीव दैट द नेम भारत वॉज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द लिजेंड्री किंग भारत ये माना जाता है कि इंडिया को जो भारत नाम महान राजा भारत के नाम से मिला है हु वॉज द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शुकंतला जो कि दुष्यंत और शुकंतला का बेटा था एंड वोज द एंसेस्टर्स ऑफ द कौरव एंड पांडव और वो कौरव और पांडव उनके पूर्वज थे इंडिया इज ऑल्सो रेफर टू एज हिंदुस्तान इंडिया को हिंदुस्तान भी कहा जाता है हाउ एवर दिस इज मोस्टली डन इन हिस्टोिकल कॉन्टेक्सट द नेम हिंदुस्तान वॉज ड्राइव फ्रॉम ए परशियन टर्म हिंदू ये माना जाता है कि हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा के शब्द हिंदू से लिया गया है द वर्ड हिंदू इज परशियन फॉर सिंधु द नेम ऑफ द इंडज रिवर इन संस्कृत द हिंदुस्तान रेफर टू द लैंड दैट दे दैट ले बियॉन्ड द इंडस तो इसका मीनिंग है कि हिंदुस्तान वो वाली लैंड आ गई जो इंडस यानी कि सिंधु नदी के पार है ओवर द कोर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स द मीनिंग ऑफ द नेम हिंदुस्तान हिंदुस्तान हैज चेंज ड्रेस्टिकली अलग अलग टाइम में इंडिया को अलग अलग नाम दिए गए और इसका हिंदुस्तान नाम भी चेंज होता गया इन द थर्टीन सेंचुरी पर्शियन हिस्टोरियन मिनाजी सिराजी यूज़ द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना थर्टीन सेंचुरी में पर्शियन uh, एक हिस्टोरियन था मिनाहाजी सिराजी उसने इंडिया को हिंदुस्तान का नाम दिया और हिंदुस्तान का मीनिंग है वो लैंड जो पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना नदी के बीच में आती है द यूज़ ऑफ द टर्म हिंदुस्तान वॉज मोर ऑफ ए रेफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत दैट चेंज विद द चेंज इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज जो हिंदुस्तान मीन हिंदुस्तान नाम का मीनिंग है वो भी दिल्ली सल्तनत के इंडिया में आने से चेंज होता गया जैसे जैसे उनकी पोलिटिकल बाउंड्रीज चेंज होती गई द मुगल्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द फोटी सेंचुरी मूगल्स जो इंडिया में फोरटीन सेंचुरी में आए यूज़ द टर्म हिंदुस्तान टू रेफर टू दियर टेरेटरी इन इंडिया उन्होंने भी इंडिया के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही यूज़ किया द नेम इंडिया हैज़ ऑल्सो बिन ड्राइव फ्रॉम सिंधु जो इंडिया नाम है वो सिंधु शब्द से भी लिया गया है वैन द पर्शियन कॉन्क्यूट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब पर्शियन लोगों ने इंडिया को जीत लिया एंड ग्रीस इन द फिफ्थ सेंचुरी और उन्होंने ग्रीस को भी पाँचवीं शताब्दी में जीत लिया सिंधु बिकेम हिंदूस तो जो सिंधु है वो हिंदू बन गए एंड स्लोली इन्वॉल्व टू इंडोर्स और वो इंडोर्स में जाकर मिल गए टू मार्क द लैंड ऑफ हिंदूस जिसे कि हिंदुओं की धरती कहा जाता है बाई द सेवनटीन सेंचुरी तो सतरवीं शताब्दी तक इंडोज ट्रांसीशन टू इंडिया तो जो इंडोज़ है वो इंडिया में बदल गया डिफरेंट नेम्स केम अप इन द डिफरेंट पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इंडिया के लिए अलग अलग टाइम्स में अलग अलग नेम यूज़ किए गए हाउ एवर वन यूनिक थिंग अबाउट द नेम्स दैट हैव बीन यूज टू डिस्क्राइब अवर कंट्री कहते हैं कि इनमें सब में से एक कॉमन बात यह है जो हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करती है इज़ द फैक्ट दैट दे हैव ऑल बीन ड्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस कि ये सारे नाम इंडर इंडस रिवर से लिए गए हैं विच रन थ्रू पाकिस्तान लद्दाख इन इंडिया एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत जो कि पाकिस्तान इंडिया में लद्दाख और तिब्बत के वेस्टर्न पार्ट में से होकर गुजरती है डिड यू नो द चाइनीज़ रेफ़र टू इंडिया एज तिन्हहा चाइनीज़ ने इंडिया को तिहाजू का नाम दिया दे ऑल्सो रेफ़र टू इंडिया एज वटिहाजू दैट ट्रांसलेट्स टू फाइव इंडियाज उन्होंने इंडिया को वटिहाजू का भी नाम दिया जिसे कि वो फाइव इंडियाज मानते हैं द चाइनीज पर हैप्स रेफर्ड टू इंडिया एज फाइव इंडियाज एज द न्यू फाइव डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स चाइनीज इंडिया को फाइव जियोग्राफिकल रीजन्स में बाँटते हैं जिसमें कि सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया जिसमें कि मध्य पूर्व पश्चिमी उत्तर और दक्षिणी इंडिया का भाग बेटे आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी चैप्टर का ये भाग आपने अच्छे से रीड करना है थैंक यू बेटा हैव ए नाइस डे